फिन में आपका स्वागत है। पोर्न फिल्म बनाने के मामले में हाल ही में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा और उनके कारनामों को लेकर रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें पैड एप्स पर प्रसारित करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था। तब से इस केस में नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब इस केस में एक ईमेल सामने आया है जिसने तहलका मचा दिया है। इस ईमेल से पता चला है कि हॉट शॉट्स के कंटेंट हेड ने दो लोगों पारस रंधावा और ज्योति ठाकुर से ईमेल के जरिए अपने एक प्रोजेक्ट ख्वाब के लिए बोल्ड वीडियोज मांगे थे। किस तरह शूट, कहां कैमरा एंगल, सब जानकारी। हॉटशॉट ऐप द्वारा किए गए ईमेल की डिजिटल कॉपी मौजूद है। यह ईमेल ऐप के मालिक ने 14 अगस्त 2020 को शाम 5:30 बजे भेजा गया था, जिसमें ऐप के मालिक ने यह भी बताया था कि उस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह का कंटेंट चाहिए, उसे किस तरह शूट किया जाएगा और किस एंगल पर कैमरा रखा जाएगा। ईमेल में यह भी साफ साफ लिखा है कि बोल्ड वीडियोस में जो लीड हीरोइन काम करेगी उसे टॉपलेस होना होगा और कैमरे पर अपनी बैक एक्सपोज करनी होगी। सोशल मीडिया के लिए फिल्मों के अलग बोल्ड पोस्टर बनाए जाएंगे, कुछ नॉर्मल तो कुछ लैंडस्केप साइज वाले पोस्टर होंगे। इतना ही नहीं, फिल्म ख्वाब के लिए जो टीजर बनाए जाएंगे वो कितने टाइम फ्रेम के होंगे, इसे लेकर भी विस्तार से बताया गया है। ईमेल में साफ लिखा है कि पहले नॉर्मल टीजर 5.15 सेकंड होगा और फिर उसके बाद 60 सेकंड से 90 सेकंड का हिस्सा बोल्ड रहेगा जिसे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 मिनट के नॉन बोल्ड वीडियोस सॉन्ग्स भी दिखाए जाएंगे। ईमेल में यह भी बताया गया है कि अगर हॉट शॉट्स की टीम ने पारस रंधावा और ज्योति ठाकुर द्वारा बनाए गए वीडियो को अप्रूव कर दिया तो उनमें से उन्हें 3 लाख रुपए में खरीद लिया जाएगा। बोल्ड फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस काम करेगी उसके प्रोफाइल को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। बोल्ड फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस काम करेगी उसके प्रोफाइल को लेकर भी कुछ जानकारी दी गई है। मसलन वह अपनी इच्छा से बोल्ड सीन करने को राजी हो, सोशल मीडिया पर वह पॉपुलर हो और उसकी स्ट्रांग प्रेजेंट हो। बता दें कि इसी ख्वाब प्रोजेक्ट के बारे में राज कुंद्रा ने अपनी व्हाट्सएप चैट में भी जिक्र किया था। पोर्नोग्राफी के इस पूरे मामले में सामने आए विवादित हॉटशॉट्स ऐप साल 2020 में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर बैन कर दिया गया था। वहीं क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से हुई पूछताछ में राज कुंद्रा ने कई राज्यों से पर्दा उठाया है और बताया कि कैसे पोर्न फिल्मों के बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने 3 व्हाट्सएप ग्रुप दिया। जानकारी के मुताबिक पहला ग्रुप था HS अकाउंट, जिसमें खुद राज कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप के कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट, ट्रांजैक्शन और पोर्न बिजनेस के ऑफिस से जुड़े हुए थे। दूसरा ग्रुप था HS ऑपरेशन, जिसमें किस तरह के पोर्न की जरूरत है, कैसे शूट करना है, कलाकार कौन है, उनकी पेमेंट, पोर्न वीडियो की एडिट, फाइनल कंटेंट और फाइनल प्रिंट के साथ यूके बेस्ड कैंडरिंग कंपनी को FTF या लिंक भेजने जैसे काम होने थे। वही तीसरा और सबसे अहम ग्रुप था HS टेक डाउन, जिसमें पोर्न फिल्मों के कॉपीराइट और पायरेसी की मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ काम होता था। राज कुंद्रा इन तीनों ग्रुप के एडमिन थे। तो गाइस, क्या कहना है आपको राज कुंद्रा के इस ग्रुप के बारे में, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।